खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, वैसे तो किसानां दीआं खुदकशियां दा दौर बहुत लंबे समय तो चलिया है और जिहड़े किसान खुदकशियां करदे है उन्हां किसानां दीआं मजबूरियां बन गईआं जदों चार छपेर उह घिर जांदा है और उन्हों आपकी घर की कबीलदारी चलती नजर नहीं आती और उस आदमी नूं जदों कर्जा देण वालिआं दी गल दा जवाब नहीं रहिंदा उहदे कोले कोई उस वेले उहदे तों खहिड़ा छुड़ाउण दा इको रस्ता लगदा कि खुदकशी करे। मैं सारे वीरां नूं बेनती करदा आपां सारे इको लाइन चा कोई एवें घबराउणा इस गल तों बई कर्जा कमी साडे लई जो आफत बन गया कोई साडी कमी है साडी कमजोरी है साडी गलती है। मित्रों, अपनी गलती नाल कर्जा नहीं चढ़िया, असीं बार बार इह गल कह रहे हां ये जिहड़ा कर्जा चढ़िया अपने सिर सरकार दीआं गलत नीतियां करके गलत पॉलिसियां करके चढ़िया। आ जिहड़ा तुसीं कल दा देख रहे हो दो तीन दिन दा आ नरेंद्र तोमर बहुत दुहाई पिट रहा है कह रहा है कि जी डिवर्सीफिकेशन लैके आउणी आ, किसान इन्नी खाद क्यों वरतदे आ, किसान इन्नी रसायनक खेती करके फसल जहरीली करती अनाज जहरीला करता यह कह रहा है। मैं इहदे ते बेनती करनी चाहुंदा, मैं नरेंद्र तोमर नूं जवाब देना चाहुंदा, श्रीमान जी किसान किदां रसायनक खेती करदा सी? किसान तां बेचारा आपदी कुदरती खेती जिहदे ते अज तुसीं दुहाई पिट रहे हो यही खेती करता सी। किसान बिल्कुल रसायणक खेती के हक च नहीं सी। याद करो, शायद तुसीं भुल गए होवो क्योंकि जदों इन्हां कुर्सियां ते आ जांदा आदमी उदों आपदियां करतूतां आपदियां गल्लां बातां भुल जांदा है। एक समा आया साडे किसानां ते जदों आपदी कुदरती खेती करदे सी, तुसीं जदों देश नूं अन्न दी लोड़ सी, जदों लोक भुखे सौंदे सी उहनां नूं अन्न देणा सी, उस वेले पिंडां दे विच तुहाडे ग्राम सेवक गए और उन्होंने कहा कि आ खाद पाओ इहदे नाल तुहाडा उत्पादन वधूगा झाड़ वधूगा ताकि देश का ढिड भरिया जा सके। इस तरीके दे नाल तुसीं लोकां नूं खाद पाउण लाया, भुलेखे ते ना रहो कि भी शायद लोकां नूं पता नहीं इस गल का। अज जदों साडी धरती किसान की आर्थिकता तुहाडियां नीतियां करके यह बन गई कि वह बेचारा इहदे च फस गया, रसायणक खेती च फस गया। क्यों फसिया? वह इस करके कि तुसीं लगातार शुरू तो लैके जिस वेले MSP तय करदे हो लागत नालों हमेशा घट करदे हो, तो जदों लागत नालों हमेशा MSP घट तय होगी तो किसान करजाई होएगा ही होएगा। इस पॉलिसी के तहत किसान नूं करजाई किया, किसान की एक मजबूरी बनी कि मैं आपका कर्जा घुमाना है, आपकी बैंकों दीआं लिमटां घुमाउणियां है। इस करके उस बेचारे ने आपदियां लिमटां घुमाउण खातर उहदी मजबूरी बनी कि मैं वध तों वध अनाज पैदा करा, वध तों वध उत्पादन पैदा करा और उस उत्पादन का राह उन्हें लभ्या, तुहाडा दस्सिया राह कि खादा पाओ स्प्रेहां करो, वह तुहाडा राह सी। किसान ने नहीं लैके आंदा कितों, वह तुहाडियां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां ने दिता, तुहाडा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा ने दिता, वह तुहाडा दिता राह है, वह लोगों ने अपनाया और अज किसान दे सिर अज दा गल जिहड़ा कर्जे की फाही ने इन्ना टाइट कर लिया उहदी मजबूरी बनी हुई है कि वह रसायणक खेती करे और सैनिक खेती करनी उहदी मजबूरी बनी हुई है। उस नूं जदों लागत नालों रेट घट मिलेगा कर्जा सिर चढ़िया, वह कर्जा उतारन की खातर सिर पैर मारदा है होर फसल पैदा करा होर वध दाने पैदा करा शायद कर्जे तों मुक्ति मिल जाए, लेकिन वह इस चक्कर नूं घुमाउंदा इस चक्की नूं घुमाउंदा घुमाउंदा उहनूं इह नहीं बेचारे नूं पता कि इस चक्की दे विच पिस कौन रिहा है। किसान ही पिस रिहा है, चक्की घुमा रहा है लेकिन पिस भी खुद ही रहा है। ते तुसी लोग बैठे तमाशा वेख रहे हो गल्लां कर रहे हो और यह गल्लां करनियां किन्नियां क वाजिब वाजिब है कि साडे देश दा खेतीबाड़ी मंत्री यह कहे कि किसान खुद नहीं यह कणक खांदे, यह केवल लोगों नूं खवांदे आ जहरीली कणक। शर्म आनी चाहीदी है ऐसे साडे खेतीबाड़ी मंत्री नूं अजिही गल करदिआं, और उहनां नूं इस यह पता लगना चाहीदा कि 55% पापूलेशन खेती करन वाले लोगों की है, तो फिर वह इन्ना अनाज कित्थों लिआ के दिंदे हो तुसीं, वह बाहरों किधरों आ जाता जिहड़ा वह खांदे ने। सो बेलोड़ियां गल्लां कीतियां जा रहियां, वह इस करके किसान भरावो करजाई तुसीं आप नहीं होए, तुहाडी किसे गलती करके नहीं होए। इस करके साडी हथ जोड़ के बेनती है तुहानूं सारिआं नूं, कृपा करके खुदकशी नहीं करनी यार, कुछ हो जाए पर लड़ांगे सरकारां नाल लड़ांगे टक्कर लवांगे, कुछ नहीं होना मरन नालों तां फिर टक्कर लैणी चंगी है, की होएगा? वध तों वध सरकार साडे गोली मार देगी,
वध तो वध सरकार सानू जेल बंद कर देगी, लेकिन राधी जीवन लीला खत्म कर लेना उहदे नाल तो चंगा काम है। सो इस करके आपां लड़ाई दे राह पईए, उधरले पासे चल के आपां इहदे तों मुक्ति हासिल करिए। और पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं मैं बेनती करूंगा कि ध्यान दिओ, मुख्यमंत्री जी बिखरी दुहाई पढ़ते रहे हो, वक्रे वक्रे तरीकों के नाल दुहाई पढ़ते रहे हो कि किसान खुदकशियां कर रहा है, किसान खुदकशियां कर रहा है। तुहाडी सरकार बनने तो बाद सत अठ किसान इको टाइम दे उत्ते खुदकशी कर जाते हैं, तो साडी सरकार दे बिलकुल कंधे जू नहीं सकती। तो इसलिए साडी हथ जोड़ के बेनती है, किसानों नूं अपील है कि खुदकशी नहीं करनी। और सरकार नूं असीं चेतावनी दिंदे आ कि सरकार तुरंत, अगर पंजाब सरकार ते भारत सरकार रसायणक खेती करवाना चाहती है तो इको ही हल है कि जिहड़े कर्जे करके किसान बेचारा रसायणक खेती करने लई मजबूर है, तुरंत सरकार किसानां चर यह मड़िया होया, मैं मड़िया शब्द वरत रहा, चढ़िया नहीं, मड़िया होया कर्जा सरकार वापस लवे और अगे तो किसान नूं कवे कि कोई किसान रसायणक खेती ना करे। मैनूं यकीन है कि किसान बिलकुल रसायणक खेती नहीं करनगे। और अगर तुसी एक पासे परोस के मूहरे थाली भी रखते हो तो यह भी कहने कि बिलकुल तुसी खाना नहीं, तो यह तो हो नहीं सकता। सो इस करके सरकार तुरंत किसानों का कर्जा माफ करे और नाल दी नाल जिहड़े साडे वीर अज इस कर्जे करके आपदा जीवन लीला खत्म कर रहे, उन्होंने मेरी अपील है बिलकुल ना करो। और जिहड़े कर चुके हैं सरकार उन्होंने विशेष तौर पर उन्होंने बच्चों उन्होंने परिवारों विशेष तौर के उत्ते मुआवजे की व्यवस्था करे और उन्होंने घर घर पहुंचावे, ये साडी अपील है। नहीं तो फिर आने वाले दिनों के जिहड़ा साडा 10 मई का प्रोटेस्ट होने जा रहा है चंडीगढ़ के, यह साडी मंग मुख होगी कि जिहड़े खुदकशियां कर चुके किसान ने उन्होंने परिवारों के उन्होंने बच्चों लई सरकार की करती है, उसके लिए वक्रे तौर के उत्ते की पैकेज दिंदी है, इन्हों गलों के उत्ते साडी लड़ाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।